गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? हाँ, तो इससे पहले हमने अमात्रिक शब्द देखे थे और कई मात्राओं की पहचान की थी। हाँ बच्चों, देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस पर ये आपका है होमवर्क। यदि आप पेज नंबर 90 यानी 90 और यहाँ पे 91 ये दो पेज देखोगे, हाँ, तो इसमें यहाँ इस पन्ने पर आपको कई सारे चित्र दिखाई देंगे। हाँ, और यहाँ पे है कुछ पहेलियाँ। हाँ, तो चित्र पहेली में ये चित्र जो होते हैं ये इन पहेलियों का क्या होते हैं? जवाब होते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये पढ़ पढ़कर अच्छे से ये पहेली आपको छुड़ानी है और पेंसिल से यहाँ पे इसका जवाब लिखना है। बहुत ही आसान है और ये आपका है होमवर्क यानी कि एग्जाम। ठीक है, सब बच्चे करेंगे? वेरी गुड। इसके बाद यदि आप पेज नोट करोगे तो आपको पाठ क्रमांक 17 यानी कि 1770 यह आपको दिखाई देगा। और यह पाठ जो है यह है तीन दोस्त। इस पाठ का नाम क्या है? तीन दोस्त। और ये कहानी आज हम देखने वाले हैं। कहानियां मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे मालूम है बच्चों। तो अभी आप सभी का ध्यान किधर होना चाहिए? हमारे किताब में। हाँ, तो चलो अपनी उंगलियां रखो वहां पे। वेरी गुड। तो मैं अभी कहानी पढ़ने वाली हूँ, ठीक है बच्चों? पर इस कहानी में एक क्या है, बहुत ही एक नई बात है। हाँ, क्या नई बात है इसमें? तो बीच बीच में कई तो आपको किस तरह से पढ़ना है? देखो, एक हाथी, उसके बाद था। जो चित्र दिया हुआ है वो शब्द आपको पढ़ना है कहानी पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ही सुंदर कहानी है हमारी। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ेंगे। और जहाँ पे बीच बीच में चित्र है तो इन चित्रों के शब्दों को पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, तीन दोस्त। एक हाथी था, उसकी दोस्त थी एक बकरी। दोनों के घर पास पास थे। दोनों सुबह एक साथ घर से निकलते जंगल। जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ खाते। कभी कभी बकरी को जमीन पर खाने के लिए कोई पौधा नहीं मिलता। यहाँ पर पौधे का चित्र है। हाथी किसी पेड़ की डाली झुका देता। यहाँ पे हाथी और पेड़ का चित्र है। हाँ, और बकरी पेड़ भर पत्ते खा लेती, यानी कि पत्ते यानी कि पेड़ की डाली में जो पत्ते लगे हुए रहते हैं वो खाते, ठीक है? उसके बाद देखो, एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। दोनों यानी कि हाथी और बकरी, जो दोनों दोस्त थे, वो कहाँ घूम रहे थे? जंगल में। हाँ, घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचे। यहाँ पे नदी का चित्र दिया हुआ है। हाँ, वहां बेर का एक पेड़ था। बेर कैसे होते हैं? हाँ, खट्टे मीठे होते हैं, आपको भी पसंद है ना?
पके पके बेर देखकर बकरी का मन बेर खाने का करने लगा, यानी कि जो बेर थे वो पेड़ पर थे और बकरी को बकरी के मुंह में पानी आया, वो बेर देखकर थके हुए बेर देखकर उसका मुंह ललचाया, उसके मुंह में पानी आया। बकरी ने हाथी से कहा, हाथी ने पेड़ हिलाया, मीठे मीठे बेर पेड़ से नीचे आ गिरे। तो बकरी तो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो पेड़ हिला सकेगी या पेड़ पर चढ़ सकेगी, इसीलिए उसने हाथी से कहा कि मुझे ये बेर चाहिए। तो हाथी तो बहुत शक्तिवान होता है, हाँ ताकतवान होता है, तो उसने क्या किया, पेड़ हिलाए और बेर नीचे गिर पड़ी। बकरी खुश होकर बेर खाने लगी, हाँ तो वो बहुत खुश हुई और वो बेर खाने लगी। उसके बाद देखो, बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। यहाँ पे कितने सारे चित्र है, अच्छे से पढ़ो ध्यान से। बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, यहाँ पे घोंसले का चित्र दिया हुआ है। घोंसले में एक चूजा था, चूजा यानी कि उस चिड़िया का छोटा सा पिल्ला, उसका बच्चा, ठीक है, उसको चूजा कहते हैं। हाथी के जोर जोर से पेड़ हिलाने से चूजा नदी में गिर पड़ा। बाप रे क्या हुआ, हाथी ने बेर के लिए पेड़ को जोर जोर से हिलाया तो उसी पेड़ पर वह चिड़िया अपने चूजे के साथ घोंसले में रहती थी। तो पेड़ हिलाने पे क्या हुआ, चूजा नदी के पानी में गिर पड़ा। बाप रे अब क्या होगा, देखो देखो आगे। बकरी को चूजे पर दया आ गई, हाँ वह बच्चे को बचाने नदी में कूद पड़ी। बकरी ने इधर उधर की बिल्कुल नहीं सोची, उसने चूजे को हाल देखा कि वो पानी में गिरा है, तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने पानी में क्या किया, वो कूद गई। बकरी ने चूजे को पकड़ लिया, हाँ पर वह पानी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने चूजे को तो बचा लिया, चूजा तो अभी उसके पास था, लेकिन बकरी खुद ही पानी से ऊपर नहीं आ रही थी, ठीक है। डरकर बकरी चिल्लाने लगी, वो डर गई, हाँ अभी हम डूबने वाले हैं ऐसा लगा उसको, इसलिए वो डरकर चिल्लाने लगी। हाथी तो उसका दोस्त था ही, हाथी कैसा है, उसका दोस्त है और वो ताकतवान है, शक्तिशाली है, तो उसने क्या दिखाया, क्या किया, चलो देखो। वह झट से नदी में घुसा और बकरी को सूंड से पकड़कर बाहर निकाला। हाथी ने क्या किया, झट से वो नदी के पानी में घुस गया और उसकी सूंड से, हाथी को सूंड होती है आपने देखी है ना, यहाँ पे चित्र भी है, तो सूंड से बकरी को बाहर निकाला। बकरी ने चूजे को पकड़ रखा था, यानी बकरी के पास कौन था, चूजा। इस तरह बकरी और चूजे दोनों गया हुए बाहर आ गए। दोनों ने हाथी को धन्यवाद दिया। अब हाथी, बकरी और चूजा तीनों दोस्त बन गए। अब क्या हुआ, इस संकट से यदि हाथी उन्हें नहीं बचाता तो चूजा और बकरी पानी में डूब जाते, है ना। बकरी को बाहर निकाला और बकरी के पास चूजा था, तो बकरी और चूजा दोनों ही बच गए, डूबते डूबते वह बच गए। तो हाथी ने इन दोनों की अच्छे से सहायता की, मदद की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है बच्चों, हाँ हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, है ना। तो अभी आपको ये जो कहानी है वो दो बार अच्छे से पढ़नी है और जहाँ जहाँ पे चित्र है वहाँ वहाँ पे उस चित्र का नाम लेकर ये कहानी पढ़नी है, जिस तरह से अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ शब्दार्थ।
शब्दार्थ यानी कि क्या जो हमारे लिए नए शब्द है। हाँ तो बच्चों इधर देखो, हमारे पाठ का नाम है तीन दोस्त और यहाँ पे लगभग आठ शब्दार्थ है। चलो पढ़ो मेरे साथ, दोस्त, हाथी, बकरी, पेड़, चूजा, नदी, चिड़िया, घर। इतने ही सारे आठ शब्द हैं। तो ये आठ शब्द आपको अच्छे हस्ताक्षर में आपके काफी में लिखने हैं, आपको लिखने हैं। हाँ, और जो बच्चे अच्छे हस्ताक्षर में लिखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनको मैं क्या देने वाली हूँ? हाँ, मैं उनको देने वाली हूँ बड़ा दिए हुए हैं।
गाय। तो गाय को क्या अच्छा लगता है? घास। और यहाँ पे है ये चिड़िया। तो चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया दाने खाती है। हाँ, उसके बाद हमारा ये आपको क्या करना है, इधर ये शब्द लिखनी है। हाँ, बेर एक फल है। हाँ, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखो, जो फल है उनमें रंग भी भरो। यानी कि यहाँ पे चार चित्र दिए हैं और उसमें जो फल है, सिर्फ फल, वहां पे सब्जी के भी कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन्हें आप कुछ मत करो। सिर्फ जो फल है उन्हें ही आपको रंगना है और उनके नाम लिखने हैं। बहुत ही आसान है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद हमारा सातवां सवाल है, लिखो और बोलो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो ये शब्द आपको बोलकर लिखनी है। और इसके बाद हमारा आठवां सवाल है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक दो तीन डॉट 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 लिखो। यानी कि यहाँ पे पांच चित्र दिए हुए हैं, जो कि वो कहानी के हैं। तो पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद, उसके बाद, यानी कि आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से सीरीज लगानी है, क्रम लगाना है। ठीक है। और ये क्रम लगाते समय यहाँ पे जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये चौकोर दिए हुए हैं, उनमें आपको इनके नंबर लिखने हैं। ठीक है। वेरी गुड। तो बच्चों, यहाँ तक आपकी पढ़ाई अच्छे से ध्यान में आ गई। तो आज हमने क्या किया, हमारा पाठ 17वां जो है, तीन दोस्त, इस कहानी की हमने अच्छे से पढ़ाई की, इसके शब्दार्थ देखे और इनके सवालों के जवाब भी देखे। मुझे मालूम है मेरे सभी बच्चे बहुत ही होशियार है ना, और अच्छे हस्ताक्षर में ये सब आपको अपने कामों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो।